वेलकम टू माई चैनल एवी रॉक्स टीम्स। यहाँ पर यूएई प्रो लीग का मैच हो रहा है अल जजीरा वर्सेज अल अरूबा के बीच, जो कि खेला जाएगा 7:30 बजे के करीब, 7:25 में। एंड बात करें, यह मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अगर हम इस मैच की, अल जजीरा एंड अल अरूबा में दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अल जजीरा टीम एक टाइम पे सबसे बेस्ट टीम हुआ करती थी, 2022 में इस टीम ने टॉप 5 में चौथे नंबर पे एंडिंग दी थी। तो मतलब अल जजीरा टीम के साथ ये क्या हुआ एक डेढ़ साल में पिछले, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि इतनी टॉप टीम ने इतने सारे प्लेयर क्यों छोड़ दिए, और जो नए प्लेयर बाय किए दूसरी टीम से वो भी इतने घटिया, बिल्कुल नए। तो मेरे को लगता है कि अल जजीरा के लिए ये सीज़न अच्छा नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है, बट लेट्स सी, पता नहीं क्या होगा। अभी आगे चलते हैं। स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहले देखिए मैं लूँगा ऑपोजिशन टीम के बी ट्रॉवली को। देखिए, मैंने बी ट्रॉवली को अभी हाल ही में एक मैच खेलते देखा था, जिसमें बी ट्रॉवली का एक गोल आया था। अभी मैच हुआ था, आई थिंक 4 दिन पहले हुआ होगा, जिसमें ट्रॉवली ने अच्छा गेम प्ले दिया था। एंड ऑपोजिशन टीम में कोई ढंग का प्लेयर अब बचा नहीं भाई, इनकी टीम में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। और अल जजीरा में मतलब यार मैं क्या बोलूँ, कहाँ गए सारे प्लेयर, इन्होंने किन किन को ले लिया यार, इन्होंने एलनी ले लिया है बेफालतू का, उसके बाद एन कैबनो, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि किस हिसाब से ये टीम क्या करना चाह रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, अल जजीरा इस बार टॉप 5 में आ भी नहीं पाएगी जिस हिसाब से इनका स्क्वाड है। वो तो मेरी मजबूरी है, मुझे महरेस को लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मिडफील्डिंग सेक्शन की अगर बात करें तो आपने एन कैबनो को लेना है, कैबनो के बाद बीडे ओलिवेरिया एक प्लेयर है ब्रूनो, इसको ज़रूर लो। बिकॉज ना मैं एम कॉली वैली के चक्कर में अभी नहीं हूँ, मैं कॉली वैली के बारे में अभी सोच रहा हूँ, ठीक है। कॉली वैली अभी श्योर नहीं है अभी। देखो, एलनी को तो मैं लूँगा नहीं, इतना तो मैं क्लियर कर दूँ, कॉली वैली को ले सकता हूँ, लेकिन आफ्टर लाइनअप्स अभी कहना, अभी सोचना थोड़ा बेकार है, ठीक है। अभी आप थोड़ा इस चीज़ को साइड पे रखिए। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन पी बॉमल के बाद द नेक्स्ट प्लेयर जो आपको नीचे से कहीं दिख रहे होंगे, लेकिन असल में इनका एक ही मेन प्लेयर है जिसका नाम है सरौर, ठीक है, इसके साथ जाऊँगा। डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर मैं लूँगा केएल हमादी को, ज़रूर लूँगा हमादी के बाद आर तागिर के बाद रबी, ठीक है। और ऑपोजिशन टीम की बात करें तो उनका एक प्लेयर मैंने लेना है, पहले मैंने सुलेमान चुना था, लेकिन अब मैंने देखा कि रिकार्डो थोड़ा बेटर प्रदर्शन कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है, सो आई एम विद रिकार्डो। एंड गोलकीपिंग सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा ठीक खामिस को, ठीक है। बात करें कप्तान की, मेरा जो कैप्टन है दैट वॉज एन कैबनो, क्योंकि जो अपनी टीम का पेनल्टी टेकर भी है, अभी गोल भी किया था, विदाउट पेनल्टी गोल भी किया था, तो कैबनो तभी रख रहा हूँ क्योंकि इनमें देखा जाए तो कैबनो ठीक है। एंड वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो वो तो थोड़ा अलग होने वाला है, माइरस को रख रहा हूँ भाई मजबूरी में, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज़ माय टीम, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये पहले वाली अल जजीरा टीम होती ना तो कम से कम आज 4-5 गोल होते, आज 2 भी हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।